Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, S.S. Khanna Girls' Study College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a topic which is very important, relevant and uh, must knowable for all of us. What is it? Ineffective Regulatory System of Higher Education in India. जो हम लोग बात करते हैं कि हायर uh, एजुकेशन का रेगुलेशन ठीक नहीं है यूजीसी में कई खामियां हैं इस तरीके की जो बातें की जाती हैं उस पर बात होगी कि क्यों जो उच्च शिक्षा है उसका जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो इनफेक्टिव है जो उसका नियामक तंत्र है जो उसको नियंत्रित करने वाला है वो अप्रभावी है क्यों है है ना या उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं तो इंडियन हायर एजुकेशन इज ए हाईली कॉम्प्लेक्स एंड फ्रेगमेंटेड सिस्टम

बी ए बी एस सी बी कॉम वाले कोर्सेज हैं वैसे कॉलेजेस का जनरली रेगुलेटर यू जी सी है लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन के कोर्सेज हैं बी बी टेक एम टेक वगैरह उनका रेगुलेटर ए आई सी टी ई है यानी कि भारत की जो विषय अधिकतर जो विश्वविद्यालय हैं उनको या तो यू जी सी गवर्न कर रहा है या ए आई सी टी एफिलिएटेड कॉलेजेस टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इसमें आ रहे हैं बिसाइड्स देयर इसके अलावा और भी बहुत सारे रेगुलेटर हैं जैसे कि बी सी आई आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया एम सी आई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एनसी टी ई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि जितने बी एड एम एड कॉलेजेस हैं उनको एनसी टी ई देख रहा है एंड आई सी ए आर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड ऑल दैट सेट नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज लॉ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर इसका मतलब मल्टीपल रेगुलेटर हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड एफिलेटेड कॉलेजेस आर ऑफेन बींगिसाइज्ड फॉर बींग सब स्टैंडर्ड हमेशा ये बात की जाती है भारतीय विश्वविद्यालयों और उनके से संबद्ध जो कॉलेजे हैं महाविद्यालय हैं उनको उनकी आलोचना की जाती है कि उनका स्टैंडर्ड नीचे -standard है सब स्टैंडर्ड है एज दे आर ओवर वेल्मिंग अंडर फंडेड उनको फंडिंग प्रॉपर नहीं मिलती है एंड मायर्ड इन पॉलिटिक्स ऑफ बोथ दी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स के बीच में वो और खराब परफॉर्म कर रहे हैं। अमांग अदर इश्यूज़ यूजीसी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय एकेडमिक्स, एकेडमिशियंस या एकेडमिक्स फॉर मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पार एंड मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। ये यशपाल कमेटी ने 2009 में और हरी गौतम कमेटी ने 2015 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो <coughs> जो मेन रेगुलेटरी बॉडी हायर एजुकेशन की हिंदुस्तान में यूजीसी है उसकी आलोचना की जाती है कि वो अपनी पावर का एक तो मिस यूटिलाइजेशन करती है मतलब दुरुपयोग करती है और जो फंड्स हैं उनका मिसमैनेजमेंट करती है यानी कि <coughs> सॉरी जो फंड्स रेस uh, कर फंड्स देने का काम है उसके उसका यू का उसका मिसमैनेजमेंट यानी कि उसका जो प्रबंधन है वो सही नहीं है और जो पावर है उसका यूटिलाइजेशन सही नहीं है ये बात यूजीसी के लिए कही जाती है तो यूजीसी क्या है भाई यूजीसी हैज सेटअप इन 1953 एंड बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी थ्रू ए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956 तो आप समझ सकते हैं कि 1953 में बनी है 1948 में क्या था? राधा आया था राधाकृष्णन कमीशन आया था यानी कि क्योंकि राधाकृष्णन कमीशन या भारत यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग चूंकि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था और उसके लिए उसने रिकमेंडेशन दी तो उसने कहा विश्वविद्यालयों के लिए उनके गवर्नेंस के लिए उनके रेगुलेशन के लिए उनके स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करने के लिए उसने कहा यूजीसी बना ली जाए इस तरीके का एक एक बॉडी बना ली जाए तो जो उन्नीस में बनाई गई और उन्नीस में इसको वैधानिक स्टेटस मिल गया द नेम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज समथिंग ऑफ ए मिस नोमर ये कह रहे हैं कि जो नाम है इसका गलती यहीं से शुरू हो रही है नाम इसका क्या है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तो ऐसा लगता है कि इसका मेन काम ग्रांट्स देना है जबकि इसका 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 मेन 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 काम काम काम? क्या है? काम है, है. क्या है? है, है। है लेकिन इससे इससे अलग बहुत ज़्यादा विस्तृत कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन मतलब कि इस कमीशन का मेन काम ये है इसलिए बनाया गया था कि जितने यूनिवर्सिटीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे डिसाइड करे चयनित करे सुनिश्चित करे और उसका उसको मेंटेन रखे जो शिक्षा के स्टैंडर्ड हायर एजुकेशन में होने चाहिए और मॉनिटर डेवलपमेंट और विकास जो हो रहा है उसको भी मॉनिटर करे एंड एडवाइस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव यूनिवर्सिटी एजुकेशन और राज्य और केंद्र सरकारों को यह एडवाइस भी दे कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारा जा सकता है लेकिन चूंकि इसका नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है इसलिए इसका ज़्यादा इम्फेसिस ग्रांट

जबकि मतलब वो तो मेंटेन करने के लिए आपको फंड देना है ना कि ठीक है भाई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है आपको ये करना है वो करना है इसके लिए हम फंड्स दे रहे हैं लेकिन चूंकि इसका नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसलिए इसने जो प्राइमरी काम था वो धीरे धीरे सेकेंडरी हो गया और मेन काम इसका ग्रांट्स देना रह गया ये कहा जा रहा है बाई गिविंग इट ए मिसलीडिंग नेम दस गॉट शिफ्ट चूंकि नाम ही में ग्रांट्स है तो इसका फोकस ही बदल गया और इसने अपना मेन काम ग्रांट्स देना समझ गया रिजल्टेड इन द पुअर फंक्शनिंग ऑफ यूजीसी ऑल दीज इयर्स कह रहे हैं ये भी एक मुख्य कारण है कि यूजीसी खराब परफॉर्म करती है ठीक है और रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमीशन्स ऑन रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन ऐसा नहीं है कि आज अचानक हमको लग रहा है कि यूजीसी ठीक काम नहीं कर रही है और उसको हमें बदलना चाहिए या कुछ सुधार करना चाहिए बहुत शुरुआत से ही जो ओहो 1 मिनट ऑन द तो थोड़ी चार्जिंग कम हो गई ऐसा कैसे हो है तो था मैंने इसके पहले भी बहुत सारे अलग गया इसके पहले भी बहुत सारे कमीशन एंड कमिटीज ने ये कहा है कि हमको सुधारना है हायर एजुकेशन का रेगुलेशन

एक बॉडी बना लीजिए दैट कैन रिमूव दी मल्टीप्लिसिटी जिससे इतनी सारी जो बॉडीज हैं उनका जो मल्टीप्लीसिटी चल रही है उसको आप दूर कर सके एंड रीस्टोर इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी और जो uh, मतलब इंस्टीट्यूशन लेवल की संस्थागत स्वायत्तता है उसको रिस्टोर किया जा सके बाई लेटिंग एच आई फंक्शन विदाउट अननेसेसरी ओवर रेगुलेशन जो इतना ओवरली रेगुलेटेड हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है जिसकी वजह से प्रभावपूर्ण तरीके से ना काम कर पाता है ना जिसको वो रेगुलेट कर रहा है वो इतना उसमें डिस्टरबेंस है एकदम उसको जैसे सांस नहीं आ रही है इतना आपने उसकी ऑटोनॉमी को हैम्पर कर दिया है तो उसके लिए उस सब को हटा के एक सिंगल रेगुलेटर बना दिया जाए ये यशपाल कमेटी भी कह रही है और ये हरि गौतम कमेटी भी कह रही है फिर एचईसीआई बिल आ रहा है ये वाला रह गया था

कि आप बना लीजिए क्या नेशनल हायर एजुकेशन काउंसिल

कह रहा है कि एक आप इंडिपेंडेंट बना लीजिए रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन और फिर उसके बाद ये यशपाल कमेटी और हरी गौतम कमेटी भी कह रहे हैं कि सबको मर्ज करके एक बना लीजिए अब आ रहा है ये बिल 2018 2018, जो कि हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मिलता है। 1956 प्रोमोटिंग यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कि इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुण गुणवत्ता के विकास के लिए हम एक यूनिफॉर्म स्टेटस को प्रमोट करेंगे

सिग्निफिकेट डिपार्चर फ्रॉम करंट देखिए आजकल क्या होता है आपने देखा होगा यूजीसी समय समय पर लिस्ट निकालती रहती है ऐसा करके वो लिस्ट निकाल देती है, है इतनी यूनिवर्सिटीज है फेक है लेकिन यूजीसी के पास ये पावर नहीं है कि वो उन फेक यूनिवर्सिटीज को बंद कर सके उनको दंडित कर सके ये अधिकार यूजीसी के पास नहीं क्योंकि जब राष्ट्र राधा कृष्ण आयोग ने बनाया था जब कहा था रिकमेंड किया था यू को यूजीसी को तो उसने ये मान के चला था कि भाई जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको ऐसा ना हो कि कोई अननेसेसरी दंडित कर दे या बंद कर दे तो ये अधिकार यूजीसी को नहीं दिया था लेकिन एच के पास जब ये बन जाएगा अभी तो ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा में ये कहा गया है कि ये सीआई बना दिया जाएगा है ना तो कब बनेगा डोन्ट नो तो आप भी नहीं जानते मैं भी नहीं जानती लेकिन जब ये बनेगा अगर बन गया तो ये क्या करेगा कि ये जो खराब काम कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको बंद भी कर सकता है तो ये एक इसका स्टार्क डिफरेंस है यूजीसी से और दूसरी खास बात कि ग्रांट्स देने का काम और रेगुलेशन का काम एक ही आपको पता होगा अब आप तो आपने पढ़ ही लिया होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके चार अम्बरेला मतलब ये अमरेला टर्म है उसकी चार सब ब्रांचेस हैं और जिसमें से एक ब्रांच का काम रेगुलेशन देखना एक ब्रांच का काम ग्रांट्स देना ऐसे दो ब्रांचेज और है।

thought he <coughs> UGC has a range of powers to act against universities and colleges. It has no power to punish bogus institutions, है ना? तो ये UGC से यहाँ भी अलग है कि ये punish भी कर सकता है. The HCCI has been empowered to impose severe penalties against defaulters. इसके पास ये शक्ति दी गई है, power दी गई है कि आप severe penalty भी लगा सकते हैं उनके ऊपर जो norms follow नहीं कर रहे हैं. है ना चाहे आप फाइनेंशियल पेनाल्टी लगा दीजिए या उसको बंद कर दीजिए अनलाइक द यू जी सी दी एच जी सी आई शेल ऑल्सो है पार्ट टू सेट इंस्टीट्यूशन फ्री फ्रॉम दी कंट्रोल ऑफ दर्ड इट से आपको पता होगा कि बहुत बात ये की जा रही है कि आप ऑटोनोमस हो जाइए ऑटोनोमस हो जाइए उससे क्या होगा कि जो अननेसेसरी रेगुलेशन से बच जाएंगे इनोवेशन कर सकेंगे एंड ऑल तो यूजी एच के पास ये भी पावर है कि वो इंस्टीट्यूशन को अगर देखे कि वो वाकई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एक्सेल कर रहे हैं तो उनको धीरे धीरे कंट्रोल से फ्री करके ऑटोनमस भी बना सकती है तो इस तरह से यूजीसी से एच भिन्न है फंक्शंस क्या है इसके रीस्टोरिंग ऑटोनॉमी अभी बात की गई वन ऑफ द मेन फंक्शंस वेस्टेड इन द प्रपोज्ड आई इज द प्रमोशन ऑफ ऑटोनॉमी इन ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हमको स्वायत्तता बढ़ानी है है ना जिससे क्या होगा कि स्पेसिफाई लर्निंग आउटकम्स अब तो बहुत लर्निंग आउटकम पे बात हो रही है लर्निंग आउटकम बेस्ड स्टडी हो रही है तो अब हम इससे क्या होगा कि हम लर्निंग आउटकम को स्पेसिफाई कर पाएंगे टीचिंग एज वेल एज असेसमेंट के लिए और एचसीआई क्या करेगा मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट तय करेगा फैकल्टी सेंट्रिक गवर्नेंस चलाएगा हम्म

मतलब दशकों से यूजीसी की आलोचना की जा रही है कि वहां बहुत भ्रष्टाचार है एंड इट्स ऑफ़ कंट्रीज़ हायर एजुकेशन सिस्टम और इसने क्या किया है भारत के जो उच्च शिक्षा तंत्र को मिसमैनेज करके रखा है यूजीसी एक्ट डिड नॉट नीड मार्जिनल चेंजेस इसमें मार्जिनल चेंजेस से काम नहीं चलेगा बल्कि हमको क्या करना पड़ेगा पूरी ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी तब जाके <coughs> भारतीय उच्च शिक्षा की दशा सुधार सकती है एच डी सी आई बिल से हमको ऐसा लग रहा है कि काफी चीजें सुधर जाएंगी वो टॉप डाउन अप्रोच पे चल रहे तो है ना बिग ड्रॉबैक ऑफ दू जी सी रिमेन अनचेंज लेकिन अभी भी जो यूजीसी का बिग आप कह सकते हैं ड्रॉबैक है जो कमी है वो इस बिल में भी रह गई है वो पूरी नहीं हुई है कौन कौन से जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना या, यानी कि केंद्र सरकार जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है होल्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे वो लिमिटेड इंक्लूजन ऑफ स्टेट्स स्टेट्स को जो लिमिटेड इंक्लूजन है आप सीमित संख्या में समावेशित हो सकते हैं वो

अंतर के लिए बड़े चेंजेस हैं है ना तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो यूजीसी है वो इन इफेक्टिव रही क्योंकि वो ग्रांट्स पे फोकस हो गया, उसका हो गया गया उसका नाम के साथ वो इंस्टीट्यूशन को बंद नहीं कर सकता वो ऑटोनोमिकली नहीं कह सकता तो इनमें से बहुत सारी कमियों को सुधारते हुए एच एसीआई बिल दो आ गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कह दिया गया है कि हायर एजुकेशन कमीशन बना लीजिए हम्म और ग्रांट्स को अलग कर दीजिए रेगुलेशन को अलग कर तो बहुत सारी चीज़ें सुधर गई है इस, बट अभी भी कई चीज़ें हैं कई टॉपिक हैं कई इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व किया जाना बाकी है तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिस्टम जो एजुकेशन का हायर एजुकेशन का चल रहा है हिंदुस्तान में वो इन इफेक्टिव है ओके सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल